So, welcome back to my YouTube channel. पाकिस्तानियों के कुछ गजब सी फनी वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाएं, जिन्हें देखने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ इस तरह होगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को नीचे लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर न्यू फनी वीडियोस आप तक जल्द ही पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हेलो, कौन तुसी? सिंगल हो? वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। तो पब्लिक, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर न्यू फनी वीडियोस जल्द ही आप तक पहुंचती रहें। इतनी सर्दी हो गई है कि कमरे में जाकर सलाम करूं तो जवाब आता है, ओए दरवाजा बंद कर। पठान को कभी सर्दी नहीं लगती, क्योंकि पठान को सर्दी लगता है। मेरा दिल चोरी हो गया है लड़कियों, तो सब लड़की अपना तलाशी दे दो। के सजना, जे अहीं गर्मियां च रोज ना नेहा ते तैनू की लगया सर्दियां च भी डेली नावांगे। लड़कियां मेरी वीडियोस पर इसलिए नहीं आती क्योंकि वो सोचती है कि इतना खूबसूरत लड़का हमारी किस्मत में कहां। मेहमाना दा बच्चा साडे कोल आके करे ना दा 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 दा, सानू समझ आवे ना आवे मां पहला बोल पेंदी है मोबाइल मंगदा जे पिया। दिल करदा बंदा लापड़ कराए होंदे। आ जेड़ियां कुड़ियां मेरे मैसेज दा रिप्लाई नहीं करदियां सी अज ओही कुड़ियां मैसेज सीन भी नहीं करदियां। तू कल्ला छड़ के चला सी। एक लड़का हर रोज होटल च चाय पीने वास्ते जांदा ही तो उस चाय वाले नु बड़ा तंग करदा हुंदा ही, जे ओ पैसे मंगदा ही ते अगो ओनु थप्पड़ मारन लग पैंदा ही। एक दिन उस लड़के नु अपनी गलती दा एहसास होया, उन्हें दिल ही दिल विच सोचा कि यार मैं इस लड़के दे नाल बड़ी ज्यादती कर रहा। वो सीधा उस लड़के दे होटल ते गया ते उन्हें जाके कहिंदा मैनू माफ कर दे, अज तो बाद मैं तेनू तंग नहीं करया करांगा ते हुण मैं तेरे को जदों भी चाय पिया करांगा तेनू पैसे जरूर दिया करांगा, क्योंकि तू भी मजदूर बंदा है, यही चाय दे पैसों दे नाल तू अपने घर दा सरकट चलाना है। मैं वादा करदा अज तो बाद मैं तेनू कदी भी तंग नहीं करांगा। वो लड़का दिल ही दिल विच बड़ा खुश होया, कहिंदा यार जे तेनू अपनी गलती दा एहसास हो गया ना ते जा मैं भी तेनू माफ करदा ते मैं भी अज तो बाद तेरे नाल वादा करदा कि अज तो बाद ना तेनू गंदे कप दे विच चाय दिया करांगा ते ना ही तेनू अपने गाहकां दी वधी हुई चाय पियाया करांगा। वो पूछना ये था दोस्तों, जिसने घड़ी बनाई थी उसने टाइम कहाँ देखा था? अच्छा तुम बताओ सबसे मशहूर तारीखी लड़ाई कौन सी है? सर मेरे मम्मा ने और पापा ने कहा है खबरदार का दिया गला बाहर नहीं दसनिया। जानू मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ कि बुरा? तुम बुरे थे, तुम बुरे हो। सर्दियों में सबसे ज्यादा नुकसान वकीलों को होता है क्योंकि तलाक के केसेस कम हो जाते हैं। लाहौर दे विच इक मुंडा सी ते ओह बड़ा ही खूबसूरत बड़ा हैंडसम, उन्हें आप दे आप नूं बड़ा फिट फाट रख्या सी। उन्दी खूबसूरती दा राज इह सी कि ओह जॉगिंग भी करदा सी, एक्सरसाइज भी करदा सी, बैठकां भी करदा सी। ते इक दिन उन्हें सोचा चल यार आप दे मामू दे पिंड जाना ते उत्थे सैल सुल करके आना। ते अगले दिन आप दे मामू दे पिंड चला गया ते उत्थे घर जाके उन्हें सारे नूं मिलिया। उन्दा पेंडू कज़न कहिंदा माशाअल्लाह तू बड़ा फिट फाट रहिंदा यार, इहदा राज की है? ते अगला मुंडा कहिंदा यार मैं ना एक्सरसाइज ज्यादा करना। उन्दा कज़न कहिंदा यार सानू की पता एक्सरसाइज की हुंदी है? ते अचानक मुंडे दी निगाह सैंक
ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਲ ਸੁਲ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਵੀ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਯਕਦਮ ਉਹਨੇ ਪੈਡਲ ਫੇਰ ਜਾਣ ਕਰਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਪੈਡਲ ਫੇਰ ਜਾਣ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਪਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਚਲਾਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਕੀ ਬਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਪਾ ਦੇਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਬਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਅੱਗੋਂ ਵਿੱਕੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇ ਪੈ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋ ਲਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ ਦੇ ਉਹ ਪਾ ਦੇਓਗੇ ਵਿੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਫੜੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੇ ਵਿੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਤਾਂ ਆਖੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ੈਰੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਦੋ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕੁੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਲਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਗੜ ਲਓ ਪਿੱਤਲ ਕਦੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਮ ਬਤਾਓ ਸਭ ਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਰੀਖੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਔਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਖਬਰਦਾਰ ਕਦੇ ਅਗਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਹੀਂ ਭੂਲ ਨਾ ਜਾਊਂ ਤੋ ਆਪ ਮੁਝੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ 1 ਕਿਲੋ ਬਾਦਾਮ ਭੇਜ ਸਕਤੇ ਹੈ इस सदी का बड़ा लतीफा कंप्यूटर और मोबाइल इंसान का वक्त बचाने के लिए ईजाद किए गए थे हेलो यार तुसी मेनू अपनी गर्लफ्रेंड बना लो नहीं यार तेनू पता तो हैगा मेरिया रेडी चार गर्लफ्रेंड हैगिया ने तो तुसी पंजवी बना लो मेनू नहीं यार मैं ना चाहूं तो खानी दे सकदा आज मेरा बर्थडे है दोस्तों मैं चाहता हूँ लड़कियाँ मुझे विश नहीं करें बस एक बार आई लव यू बोल दें इस कदर शदीद सिंगल हूँ दोस्तों कि रात को तकिए को बोल रहा होता हूँ मेरी तरफ मुंह करो जानू मुझे नींद नहीं आ रही पब्लिक लास्ट में बस आप लोगों से बस छोटी सी एक ही गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।